they actually, everybody is so busy, they don't know the problems, intricate problems jo film industry faces. I think that's a very big, बहुत बड़े शूज हैं फिल करने के लिए. बट आई थिंक जैसे बड़ी फिल्म अगर हम बोले बहुत लोग बना रहे हैं, बट आई थिंक पीपल गेट दे गेट स्कैर्ड टू मेक दिस बिग म्यूजिकल, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि ये मत करो क्रिटिक्स काटेंगे, ये मत करो ऐसा हो जाएगा. बट आई थिंक मे बी रोहित एंड मी मे बी द लास्ट टू हु वांट टू मेक द मूवीज दैट वी यूज टू वॉच एज किड्स, जो हम देखते थे बचपन में और जो अभी तक हमें याद है, वो जो बड़ी जो हैप्पी मूवीज़ होती थी. सो आई थिंक मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं एक छोटी पिक्चर बनाऊँ, लेकिन मेरे को कोई बनाने नहीं देता है. एंजॉय वॉचिंग दोज मूवीज़ वेरी मच. आई एंजॉय वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़. आई मे नॉट पर्सनली वॉन्ट टू मेक दोज मूवीज़ और आई मे नॉट बी केपेबल ऑफ मेकिंग दोज मूवीज़. लाइक लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंजॉय माई मूवीज़, दे मे नॉट बी वॉन्टिंग टू मेक दोज. So I think एक love for cinema cannot be for only a certain type of cinema. जैसे अगर आप foodie हैं तो आपको हर किस्म का खाना पसंद आएगा ना. आप नहीं बोलेंगे मैं foodie हूँ लेकिन मैं सिर्फ दाल चावल ही पसंद करता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता. So I think I am a foodie for cinema also. I watch every kind of movie. I watch from Polish movies to now, you know, on OTT platforms. Yeah. You get to watch Swedish films, French movies, Spanish movies, and they are just absolutely fantastic. But when you're making for India, I think my sensibility is that it has to be a meri sensibility hai ki main pan India movie banau jo B C D center se leke A plus center mein chale. So that is a very difficult thing to do because you have to please 1 billion people. It's very easy to make a film that pleases 10,000 people. ये जो फारा ने भी बोला एकदम सही बोला कि हमने जो एक सिनेमा व्यू एक्सपीरियंस किया है वो एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सर्विस हो, चाहे एक एम्बियंस हो प्रॉपर्टी का. तो हम चाहते हैं कि लोग एक जो मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ डी काउच हों, अपने घर से बाहर आएँ और सिनेमा एक्सपीरियंस करें एक लार्ज स्क्रीन पे. डी काउच मतलब इन्होंने सिनेमा में सोफा बना दिया आपके लिए, वाओ. एक क्रिस्टल क्लियर इमेज देखें, अनकॉम्प्रोमाइज्ड साउंड हो, आपको मजा आए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बाहर आके पिक्चर देखने के लिए. 5-star एक्सपीरियंस. सो दैट्स व्हाट इट इज. एंड जस्ट टू टेल व्हाट फारा सेड के महंगा है, मैं कहता हूँ ये अब 3 या 4 सिनेमा हॉल्स हैं कंट्री में जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि हाँ टिकट प्राइस आपके हिसाब से ज़्यादा है, बट ऑन एन एवरेज जो हमारी टिकट प्राइस है अबाउट 190 to 195 रुपीज. ये कब होते हैं? इट मींस व्हेन आई एम सेलिंग टिकट एट अ हायर प्राइस. ये कौन से दिन पे होते हैं मुझे बोलो. इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री फारा आई एम आल्सो सेलिंग एट 80, 90 or 100 रुपीज. ओके, सो दैट्स वेयर वी आर. तो वी हैव अ प्राइस पॉइंट फॉर एनीबॉडी डिपेंडिंग ऑन हिज पॉकेट ड्यूरिंग फॉर द टाइम ऑफ द डे, द डे ऑफ द वीक. दैट इज ट्रू. फॉर हिम टू एंजॉय अ मूवी. मेरी मदर इन लॉ ट्यूसडे मॉर्निंग को जाती है 9 o'clock शो, व्हिच इज द चीपेस्ट टिकट, 80 रुपीज और 90 रुपीज. सो दैट्स व्हाट वी कीप ऑन डूइंग. Yeah, but we want to see it on the first.